हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति। होली के मौके पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा चार रंगों वाला कलरफुल कलर स्प्लैश केक। बिल्कुल होली की थीम के हिसाब से हमने इसको चार रंगों में बनाया है। ये दिखने में जितना खूबसूरत है ना, बनाने में उतना ही आसान और खाने में उतना ही टेस्टी है। और सबसे बड़ी बात, ये कम्प्लीटली एगलेस है। इसे बिना ओवन हमने बिल्कुल तवे पर बनाया है बहुत ही आसान तरीके से। मैं आपको इसकी रेसिपी आज बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कलरफुल सा केक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कर लो और बेल बटन को भी हिट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं केक बनाना। केक बेस को बनाने के लिए मैंने ना यहाँ पे एक कप मैदा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल। ऑयल जो है वो किसी तरह के स्मेल वाला नहीं होना चाहिए, ऑलिव ऑयल लेंगे तो अच्छा रहेगा। आधा कप इसमें हम डालेंगे दही। दही बिल्कुल फ्रेश ले हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्सचर काफी गाढ़ा हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप दूध। दूध भी जो है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। मिक्सचर को बिल्कुल लम्स फ्री बनाना है, किसी तरह की गुठलियां नहीं रहनी चाहिए इसमें। बाकी का बचा हुआ दूध भी हम इसमें डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करके स्मूथ सा बैटर बना लेते हैं। ये देख सकते हैं बैटर हमारा बिल्कुल स्मूथ बन चुका है। ये देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद का कोई एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, वनीला एसेंस, पाइनएप्पल एसेंस, जो भी आपको अच्छा लगता है। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने क्या करना है, बैटर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। मैंने अलग अलग बोल्स में इन सारे बैटर को डिवाइड कर देना है ताकि हम इसमें कलर्स ऐड कर सकें। ये देखिए, बैटर को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब मेरे पास हैं अलग अलग कलर्स। आप कोई भी अपने चॉइस के कलर ऐड कर सकते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। कलर अगर वाटर बेस्ड रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ब्लू कलर, यहाँ पे डाल रही हूँ येलो कलर, यहाँ पे डाल रही हूँ ग्रीन कलर और यहाँ डाल रही हूँ रेड कलर। अब अच्छे से सारे कलर्स को बैटर के साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये केक खास तौर पे बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है और होली के मौके पर आप इसे बनाएंगे ना, तो आपके त्यौहार का मज़ा बिल्कुल डबल हो जाएगा। देखिए, सारे कलर्स को ना अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हम अपना केक टिन तैयार करते हैं। ये देखिए, केक टिन में मैंने इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल को लगाया है कि ये 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो जाए। एल्युमिनियम फॉइल को मैंने इस तरह से अटैच कर दिया है आपस में। आप चाहें तो इसे ग्लू से चिपका सकते हैं या फिर आप स्टेपलर से अटैच कर सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट रहता है। तो इस तरह से इक्वल 4 पोर्शन में इसको डिवाइड कर लेना है। तो अब हमें क्या करना है, एक एक करके बैटर को एक एक पोर्शन में डालते जाना है। ये देखिए, पार्टीशन को आप अच्छे से सेट कर लें ताकि वो हिले नहीं और बैटर जो है ना अपने पोर्शन में ही रहे। नीचे से चाहे ये मिक्स हो जाएगा, बट जो ऊपर वाला जो लेयर है ना वो सेपरेट ही रहनी चाहिए। पहली बार में आप आमने सामने के पोर्शंस में ही बैटर को डालें ताकि आपस में मिक्स ना हो। उसके बाद एक एक करके चारों पोर्शन में अपना बैटर डालते जाएं। ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं, आपने अगर अच्छे से पोर्शन को लगाया है एल्यूमिनियम फॉइल को। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए, इस तरह से मैंने बैटर को चारों अलग अलग कलर्स में डिवाइड करके सेट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अब मैंने यहाँ पे तवा जो है वो प्रीहीट किया है। आज हम जो केक है वो तवे पे बनाने वाले हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तवे को पहले प्रीहीट कर लें 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। उसके बाद आप अपना जो टिन है उसके ऊपर रख दें। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। धीरे से हल्के हाथ से जो ये सेपरेशन हमने बनाया था ना, इसे निकाल लेंगे। आप देखिए, निकालने के बाद भी बैटर अपनी जगह पर है
अब ये बिल्कुल ऐसे ही पकेगा, बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होगा। अब इसे प्लेट से कवर करके 40 से 50 मिनट तक लो फ्लेम पे आराम से पकने दें। इस तरह से ऊपर कोई भार रख दें आप। तो गाइज़ यहाँ पे 45 मिनट्स हो चुके हैं, तो आइए केक को चेक करते हैं। ये देख सकते हैं गाइज, अब हमारा केक बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुआ है, बिल्कुल भी फैला नहीं है, कितने अच्छे से बेक हुआ है, सारे कलर्स कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आइए इसे चेक करते हैं, इस तरह से एक नाइफ डाल के देखेंगे। ये देखिए नाइफ हमारा बिल्कुल क्लियर निकला है, इसका मतलब हमारा केक परफेक्टली बेक हुआ है। इसे बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। जब भी केक आप बनाएं उसे बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही डीमोल्ड करें, इससे वो टूटेगा नहीं। तो ये देखिए गाइज हमारा जो केक है ना वो बिल्कुल तैयार है। मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट बना है, दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो आप कब बना रहे हैं इसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जल्द ही मिलेंगे ऐसी और भी नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.